नमस्कार, पहचान की सीरीज में मैं पुनः उपस्थित हूं अपने देव चंदन ओझा जी के साथ। नमस्कार। और बहुत समय दिया इन्होंने आज, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आज हम लोग फिर उपस्थित हैं लौरिया में। बौद्ध धर्म का गढ़ है लौरिया। अभी तो यहाँ एक भी बौद्ध धर्म को मानने वाले शायद नहीं होंगे, अभी यहाँ नहीं है कि लेकिन एक जमाने में रहा होगा। ये सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है। आइए अंदर देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखिए, ये अशोक स्तंभ यहाँ है। यहाँ अब आपको ये किस भाषा में लिखा है हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये देखिए ये किस भाषा में है। और बहुत सारे विद्वान इसको जो है, जेम्स प्रिंसेप जैसे बहुत सारे लोग दावा किए कि पढ़ पाए हैं, लेकिन अब क्या पढ़ पाए हैं नहीं पढ़ पाए हैं इसको कहना तो मुश्किल है। और संभवतः पूर्णतः तो इसको कोई पढ़ नहीं पाया होगा अभी तक, कोई क्योंकि भाषा जो है वो तो विज्ञान है नहीं कि बाद में भी इसका थ्योरी पकड़ा जा सकता है। और ये चारों तरफ है ये। हाँ, ये यहाँ देखिए अंग्रेजी में भी कुछ लिखा गया है। सर यहाँ देखिए 1898 में, यहाँ देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ अंग्रेजी में भी है। हाँ, ये शायद बाद में जो सर्वे हुआ होगा ना उसी में ये 31/5/1898 सामने दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में। 1934 भी कहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये कुछ SL हुसैन, ये अलग अलग हमको लग रहा है कि जब जब बाद में जब ये पढ़ने का कोशिश किया गया होगा तो उसके बाद में अलग अलग लोगों ने इस पे अलग अलग अपने अपने भाषाओं में लिखवाया होगा। ये आर बुरो 1792, WC मुरे, ये भी कुछ लिखे हैं। अब किसके लिए लिखा गया है तो शायद बहुत अच्छा से डिपार्टमेंट ही बता पाएगा आपको। और यहाँ पे मुगल काल में भी कुछ लिखा गया है, क्योंकि यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ अरबी भाषा का है यहाँ पे। तो खैर, बाद में जो भी लिखे या कुछ भी लिखा जाए, इससे जो सबसे पहले सम्राट ने, सम्राट अशोक ने मौर्य काल में जो ये स्थापना करवाया होगा या लिखवाया होगा, उसको तो इनकार नहीं किया जा सकता, या उसके गरिमा को तो धूमिल नहीं किया जा सकता, सेकेंडरी चीज है। तो इसका बहुत ही बेहतरीन जो आप देख पाएंगे, ये देवनागरी लिपि में भी है, कुछ यहाँ लिखा गया है देवनागरी लिपि में। ये बाद का है, किसी ने अब शैतानी से लिखा है या विभाग द्वारा लिखवाया गया है ये मुश्किल है कहना, लेकिन आप देख के इस गौरवशाली इतिहास का अनुमान लगा पाते होंगे कि ये कितना पुराना था और इसका क्या इतिहास रहा होगा। और ये इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे। देखिए अभी हमारे पीछे भी, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ भी 2-3 भाई बंधु आए हुए हैं। और ये हमारे चंदन सर हैं, वहाँ हमारे जो कैमरा को करते हैं रविशंकर जी हैं, और ये यहीं वीडियो करके आपको सब दिखाते हैं। यहाँ पे ASI द्वारा अच्छा प्रबंध किया गया है, नीचे ईंट की सोलिंग है, चारों तरफ से एक रिंग रोड जैसा बनाया गया है, वृत्ताकार पथ है, और चारों तरफ से बाउंड्री वगैरह कर दिया गया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पूजा अर्चना करने भी आते हैं। इसको धार्मिक महत्व से भी जोड़ दिया गया है। देखिए एक दिया कोई किसी व्यक्ति ने यहाँ जलाया हुआ है, यहाँ आपको दिया दिखाई दे रहा होगा, और दीपदान भी करते हैं लोग यहाँ आके। कमाल की बात यह है, सोचने वाली बात, कि इतने मोटे ये, अगर मैं चाहूँ कि ऐसे पकड़ लूँ तो मेरे जैसे 2 या 3 आदमी लगेंगे इसको पकड़ने में, और इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये नीचे भी होगा, जो भी हो, कम से कम 8-10 फीट से कम तो नहीं ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी लंबाई को रोकने के लिए 10 फीट तो कम से कम 7-8-10 फीट तो होना ही चाहिए। और कितने भूकंप आए इन 2500-3000 सालों में, कितने भूकंप आए, आंधी तूफान, कहीं से कोई अंतर नहीं, पूरे पत्थर पे कहीं एक छोटा सा जैसे दरार पड़ के टूट जाना ये भी नहीं है, जैसे था वैसे है। ये यहाँ लाया कैसे गया होगा, ये लाना लगाना, उस समय जब किराच नहीं था, बुलडोजर नहीं था, बड़े बड़े ट्रक नहीं थे, तो ये कितना अपने आप में बहुत विशाल, मतलब एक काम रहा होगा।
तो कुल अभी मिलाकर यह कहें अब जब मेला लगता है ना तो काफी भीड़ होगा यहाँ पे। यहाँ स्थानीय स्थानीय मेला लगता है, मेला ग्राउंड है ही, तो उस समय काफी भीड़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। कुल मिलाकर यह कहें कि जो धरोहर है ना उसको संभाल के ही रखना अच्छा है, और यह आसान काम नहीं है। आज के इंजीनियर्स को अगर कह दिया जाए यही काम करने के लिए तो कई करोड़ रुपए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो जाएंगे, लेकिन उस समय यह रखा गया है और शायद ये वाला नहीं होता तो बाकी स्तूपों की तरह भी लोगों ने उस पर अपना अपना नाम लिख देते और मन्नत मांगने वाले यहाँ भी पहुँच जाते, अपना अपना एक निशान बनाना शुरू कर देते, क्षति होता। अच्छा किया है सरकार ने इसको लगवा के, बहुत अच्छा। तो चलिए मिलते हैं पहचान के एक अगली सीरीज में किसी नए जगह पर किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।